मेरा नाम है हर्ष पटेल, राजकोट से मैं हूँ। हम लोगों ने एक एजुकेशनल म्यूजियम सेटअप किया हुआ है। पूरा कलेक्शन मैं और मेरे मित्र भरत डांगर ने साथ में मिलकर किया हुआ है, जो एक हमारी संस्कृति का एक भाग है। तो बच्चों को अवेयरनेस आए कि जो टेक्स्ट बुक में जो उनको पढ़ने में आता है वही हम लोग उनको प्रत्येक सामने रखते हैं, तो क्या उनको बहुत समझने में इजी पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा म्यूजियम सेटअप किया हुआ है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स है, कार्बन फॉसिल है, कास्ट मोल्ड फॉसिल्स है, जो उनको समझ में आए कि जियोलॉजी क्या है, उस हिसाब से हम लोगों ने एंशियंट सिविलाइजेशन का भी कलेक्शन किया हुआ है। जिस तरह से धोलावीरा है, लोथल है, फिर अलग अलग साइट्स है, वो कलेक्शन जो हमारी पुरातन धरोहर को समझ लो उस टाइम 4,000-5,000 साल पुराने अवशेष जो उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ने में आते हैं, तो वही प्रत्यक्ष देखने से उनको ज़्यादा पता चलता है। इसलिए हम लोगों ने ये पूरा एक मोल्ड बना के यहाँ पे रखा हुआ है। अब बहुत सारे जगह पे जाना पड़ता है कलेक्शन के लिए, कभी समझ लो जूनागढ़ जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, या फिर भरत भाई मास्टर है जो खास करके वो बाहर से भी मंगवाते हैं, जो ऑक्शन हाउस से भी कलेक्शन करके हम लोग यहाँ पे घर वापसी करवाते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक खास मैं आपको मुद्दा बताना चाहूँगा, एक हम लोगों ने स्वॉर्ड खरीदा था बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से, तो उस हिसाब से कंट्री में यहाँ पे तो आ गया, लेकिन कस्टम ने उनको रुका दिया गया कि हमारी कल्चर का हम लोगों ने घर वापसी किए तो आप नहीं ले जा सकते, उनको पुलिस कमिश्नर का एनओसी चाहिए। हम लोग को राजकोट में रहते तो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, फिर हम लोगों ने गहलोत साहब से भी संपर्क किया, यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर थे, तो उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और वो घर वापसी करने में उनका पूरा सहयोग रहा। जो स्वॉर्ड आज हमारे एक कलेक्शन का एक अभिन्न अंग है, जो बूंदी स्टेट की स्वॉर्ड कही जाती है, गास स्वॉर्ड। तो इस हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने घर वापसी की है, जो बाहर हमारा कल्चर का कोई पार्ट समझ लो यहाँ पे इंग्लिश टाइम में चला गया होगा, फिर कोई किसी रूप से तो बाहर उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग फिर वापस लाते हैं। अलग अलग जगह पे हमने जाके स्कूलों में भी बहुत सारे एग्जीबिशन किए, सरकारी स्कूल में बिना कोई चार्ज लिए। ऐसा बात नहीं कि हमारे स्कूल के बच्चे जाने, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जीबिशन भी लगाए हुए, और इस हिसाब से आप देख सकते हो। ऐसी कोई स्टोरी समझ लो आपके पास भी, आपके नज़दीक में भी कोई ऐसे रहता है कि जो ऑर्डिनरी काम करता है, जो समाज को कोई उपयोगी हो, समाज को कोई दिशा और प्रेरणा मिले, इस हिसाब से काम कोई करता हो, तो आप ये चैनल को बोलिए और आप प्रॉपर वे तक पहुँचाइए। धन्यवाद।